चैनल एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेजर्स जो है वो किस ग्रुप के अंडर बनेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू हम इस चीज का कर लेंगे, बाकी तो मैं आपको साथ के साथ वीडियोस में बताते चले जाऊंगी जैसे ही हम कोई भी एंट्री करेंगे कि वो पर्टिकुलर किस लेजर में बनेंगे, उसको पर्टिकुलर किस ग्रुप के अंडर हमें डालना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर बनता है। देखिए, सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे चलते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर अलग अलग आपको ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं इसके अंदर किस किस तरीके के लेजर आ सकते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो अगर जितने भी अगर प्रोप्राइटर है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका कैपिटल अकाउंट का लेजर इस ग्रुप के अंदर हम रख देंगे। जैसे राम है, राम के बिजनेस का आप लोग डाटा बना रहे हैं तो यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म का आप लोग बना रहे हैं और उसमें पांच पार्टनर्स हैं तो पांचों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इसके कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। जैसे राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, घनश्याम कैपिटल अकाउंट, तो जितने भी टोटल पार्टनर्स हैं उसके नाम यहाँ पे लिख देंगे। ए बी सी डी ई पांच पार्टनर्स है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट के अंदर हर एक पार्टनर का कैपिटल का लेजर बन जाएगा। क्लियर। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल आती है, ठीक है, जितना भी आप प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इनकर करेंगे। करंट एसेट्स की बात करें, ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। करंट एसेट्स कौन सी होती है? वो एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर मैं बात करूं आपके पास फिक्स एसेट्स की, जो एक साल से ज्यादा तक हमारे पास रहती है, जो कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं होती, जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे बिजनेस में चलती है। क्लियर। अगर हम बात करें स्टॉक की, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। एडवांस आपने किसी को पैसा पे कर दिया माल खरीदने के लिए, आपको माल खरीदना था 2 लाख रुपए का, 20,000 उसने आपसे एडवांस लिया था, जो 20,000 है वो स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना फटाफट, एक साल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स बोलेंगे। तो ऐसी चीजें जो एक साल से पहले कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में या स्टॉक में किसी भी चीज में, जो एक साल से ज्यादा जिसकी लाइफ नहीं है वो कहां चली जाएंगी? करंट एसेट्स में। याद रखिएगा, करंट एसेट्स वो चीजें होती है जो हमें मिलनी होती है, जो हमारा दायित्व नहीं होता वो हमें मिलेंगी, ठीक है। या तो हमने कोई एडवांस पेमेंट कर दी या कल को हमें कोई पैसा मिलना है, तो जो हमारे दायित्व नहीं है हमारी पूंजी है, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होती है? जो हमारी पूंजी है। दूसरी साइड में बात करूं उस करंट लाइबिलिटीज की, जो हमने मार्केट में पैसा पे करना है, जो हमारे दायित्व है, वो कहां जाएंगे? करंट लाइबिलिटीज में। जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात करूं, कोई पैसा हमें टैक्सेस का पे करना है, जीएसटी पेएबल आ रहा है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। जीएसटी रिसीवेबल है हमारा, वो हमारी हो जाएंगी करंट एसेट्स। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अगर टीडीएस पेएबल आ रहा है, टीडीएस हमें पे करना है, तो वो करंट लाइबिलिटीज होगी। टीडीएस रिसीवेबल है, हमें रिसीव होगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? करंट एसेट्स हो जाएंगी। बैंक अकाउंट है, वो हमारी करंट एसेट्स है। इसमें कुछ एक चीजें दी हुई है, कैश इन हैंड है, हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड का ग्रुप बना हुआ है, इसमें हम जैसे कैश का लेजर आप देखोगे ऑलरेडी बना हुआ होता है। बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट का एक ग्रुप है जो कि करंट एसेट्स के अंडर दिया हुआ है। अब बैंक अकाउंट के ग्रुप में आपने क्या लिखना है? जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो बैंक अकाउंट के अंडर डाल दोगे। हो सकता है आपके 4 बैंक अकाउंट हो सकता है 1 हो सकता है 10 हो, जितने भी बैंक अकाउंट आपके क्लाइंट के हैं वो आप बैंक अकाउंट्स के अंडर शो कर देंगे। कैश इन हैंड हो गया, कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। कैश इन ट्रांजिट दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। कैश इन ट्रांजिट यानी कैश चला हुआ है लेकिन अभी तक आपके पास आया नहीं। आपका कोई बंदा है, कैश लेने गया हुआ है, 4 दिन बाद पहुंचेगा, 4 दिन बाद कैश आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में क्लोजिंग जैसे 31 मार्च आ गया तो आपको कैश इन ट्रांजिट की एंट्री दिखानी पड़ेगी ना, कैश आया आना है लेकिन अभी तक आया नहीं है। लोन एंड एडवांसेस एसेट्स। अब यहाँ पे एसेट वर्ड क्यों यूज है? लोन एंड एडवांस अगर आपने दिया है किसी को तो वो आपकी एसेट होगी। आपने किसी को लोन दे दिया, इन फ्यूचर वापिस मिलेंगे पैसे, वो आपकी क्या है? एसेट्स है, ठीक है। जिसको भी आपने लोन दिया हो वो आपने यहां शो करना है, उसके लेजर लोन एंड एडवांसेस एसेट साइड पे जाएंगे। अगर आपने लोन लिया है, आपने किसी से लोन लिया है, तो वो आपके पास लाइबिलिटी साइड में जाएगा, वो आपके पास लाइबिलिटी साइड में जाएगा लोन एंड एडवांसेस में। अब आप कहोगे कि मैम ये लोन एंड एडवांसेस करंट एसेट्स के नीचे आ रहा है। करंट एसेट्स के अंडर में इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये एक साल में कन्वर्ट होने वाले, ये शॉर्ट टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही मिलेंगे और शॉर्ट टाइम पीरियड में ही पे करने पड़ेंगे।
ठीक है, स्टॉक एंड हेड, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बात करता है कि स्टार्टिंग में स्टॉक कितना था और आपके पास ईयर एंड में स्टॉक कितना है, वो स्टॉक इन हैंड होता है हमारे पास। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करंट लाइबिलिटीज मैंने बता दी, प्रोविजंस की, फ्यूचर के कोई भी प्रोविजंस बना करके चल रहे हो, टैक्स का प्रोविजन बना दिया कि इन फ्यूचर मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, पे करना है ना, लाइबिलिटी है ना, तो ये करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। बैड डेट्स का प्रोविजन बना दिया कि इतने जो डेटर्स हैं वो धोखा दे जाएंगे, वो पैसा नहीं देंगे, उसका प्रोविजन बना करके रख दिया। जितने भी प्रोविजंस बनाओगे वो लाइबिलिटीज के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है, वो प्रोविजन के ग्रुप में आपने शो करना है। क्रेडिटर्स आप लोगों को पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से थे, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, ठीक है। अब मैं आप सोचोगे कि मैम कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। देखिए जैसे कोई भी आपका, मैं मान के चलती हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपका काम किस चीज का है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। अब आपने पॉलिशिंग से रिलेटेड जो खर्चा किया, लकड़ी खरीदने से रिलेटेड जो खर्चा किया, लेबर एंड कारपेंटर से रिलेटेड जो खर्चा किया, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसके बिना आप फर्नीचर बना ही नहीं सकते, उसके बिना आप फर्नीचर बना ही नहीं सकते, सेल कर ही नहीं सकते, वो आपका क्या है, बिजनेस का डायरेक्ट खर्चा है। इसके बिना तो आपका बिजनेस जी ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। वो खर्चा जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, डायरेक्टली आपके जो कोर बिजनेस है ना, जो कोर एक्टिविटीज है, जिनके बिना आपका बिजनेस काम ही नहीं कर सकता, वो उसके लिए डायरेक्ट खर्चे होते हैं। लेबर का आपका डायरेक्ट खर्चा है, आपका अगर वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, वो उसका डायरेक्ट खर्चा है, पॉलिशिंग उसकी हो रही है वो उसका डायरेक्ट खर्चा है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, डायरेक्ट खर्चों में आ जाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट खर्चा, आपने वहां पे कोई काम वाली लगाई हुई है साफ सफाई के लिए, चाय पानी का जो आप वहां पे खर्चा करते हो, आपने अपना एक बढ़िया सा वहां पे ऑफिस बना लिया जहां आप अपने क्लाइंट्स को मिल सकते हो, तो उस ऑफिस की मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो इनडायरेक्ट खर्चा है भाई, वो जरूरी नहीं है, वो आप लोग कर रहे हो, दैट इज नॉट है बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो खर्चा भी जरूरी है, बट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर मैं बात करूं तो जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, यू कैन से कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो डायरेक्ट हैं, जो ऑफिस के खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट में आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चा होगा, उस चीज को बनाने से रिलेटेड जो खर्चा होगा, दैट एक्सपेंसेस विल बी डायरेक्ट, एंड अदर जो हमारे पास चीजें हो गई जो डायरेक्टली उसकी कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, इनडायरेक्ट हो जाएंगी। अभी हम इसके ऊपर जब काम करेंगे, प्रैक्टिकली सेशंस में लूंगी, उसके अंदर भी बायफर्केशन बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ एक समराइजेशन आपको दे रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ समरी कि आप लोगों को थोड़ा सा एक हाईलाइटिंग होना चाहिए कि मैम ये खर्चों के अंदर क्या क्या आता है, इन इन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आता है। मेरी बात समझ में आ गई, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अकाउंटेंट या प्रोफेशनल आप लोग बनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कंप्लीट कोर्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, जीएसटी टीडीएस इनकम टैक्स हर एक चीज कवर करेंगे, लेकिन मुझे चैनल पे सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे अपनी वीडियो पे लाइक कमेंट चाहिए, तभी मैं इन वीडियोस को आगे बढ़ाऊंगी, तभी मैं इससे रिलेटेड और बेनिफिशियल वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मोटिवेशन तो हमें भी मिलना चाहिए ना, मोटिवेशन के बिना काम नहीं होता, तो मोटिवेशन देना आपकी जिम्मेदारी है, नॉलेज देना मेरी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट इनकम जो हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम होगी, फर्नीचर आप लोग सेल कर रहे हो वो डायरेक्ट इनकम है, लेकिन रद्दी बेच दी, न्यूज़पेपर बेच दिए, ठीक है, कोई भी रद्दी बेच दी, न्यूज़पेपर बेच दिए, वो लकड़ी के जो छोटे छोटे आपके पास स्क्रैप बच जाते हैं वो बेच दिए, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है। नेक्स्ट वन मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपके पास चीजें चलती है। अब आपका फर्नीचर का शोरूम है, आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया ठंडा पानी पीने के लिए, अदर सामान रखने के लिए, तो जो रेफ्रिजरेटर आप लोगों ने खरीदा भैया वो फिक्स्ड एसेट्स है आप लोगों की, एसी आपने लगा लिया अपने शोरूम पे वो फिक्स्ड एसेट्स है आप लोगों की, ठीक है। अब जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा है वो आपका स्टॉक है, जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा है वो आपका स्टॉक है, लेकिन जो फर्नीचर आपने अपने ऑफिस में यूज कर लिया वो आपका फिक्स्ड एसेट है, वो आपका फिक्स्ड एसेट्स है, वो क्या, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के पर्सनल यूज में ले लिया, जो बेचने के लिए रखा है वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए पैसे, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग में कर दिया, अगर आपने
अपने बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, लोन एंड एडवांसेस मैंने एज अ एसेट आपको बता दिया था, लायबिलिटी जो हमें बाहर पे करने हैं, जो हमने बाहर से पैसा उठाया है, बैंक ओडी अकाउंट, जितने भी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया आपने, एक बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, एक से ज्यादा बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, सबकी डिटेल्स आपने बैंक ओडी में दिखानी है। सिक्योर्ड लोन, ऐसे लोन जो कि सिक्योर्ड है, जिसके अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ रखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी उसको मोर्टगेज की हुई है या कुछ भी उसको मोर्टगेज आपने किया हुआ है, तो वो सिक्योर्ड लोन आ जाएंगे। अनसिक्योर्ड, जिनके अगेंस्ट आपने कुछ भी मोर्टगेज नहीं किया है बैंक को, तो सिक्योर्ड लोन आपके पास अलग दिखाए जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन अलग दिखाए जाएंगे। यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी आप जैसे कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके आ गए, आपने कोई भी प्रीपेड यानी एक्सपेंसेस कोई भी प्रीपेड कर दिया, अगले साल के पहले से आपने नेट का खर्चा किया, सीधा दो साल का कर दिया, दो साल के एडवांस पैसे दे दिए आपने नेट के, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपकी एसेट साइड पे आ जाएंगी। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपने प्रीपेड दिया हुआ है, दो साल आपने एक साल का भी इकट्ठी पेमेंट कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 1 फरवरी को पैसे दिए इंश्योरेंस के, वो अगले 31 जनवरी तक के पैसे दे दिए, तो यहाँ पे जब आप बाइफर्केशन करोगे तो अप्रैल 2024 से लेके जनवरी 2025 तक के पैसे आपने एडवांस दिए हुए, वो एडवांस हमारे पास कहाँ आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट साइड पे आएंगे। ठीक है, परचेज में परचेज की एंट्रीज आएंगी, सेल में सेल से रिलेटेड हेड्स आएंगे, सस्पेंस की बात करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, क्लाइंट की हम एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट की एंट्रीज करते हैं, तो कुछ एक एंट्रीज ऐसी होती हैं जो उस टाइम पे समझ नहीं आती, कुछ एक एंट्रीज ऐसी होती है जो उस टाइम पे समझ नहीं आती, एक बार के लिए हम उन्हें सस्पेंस में डाल देते हैं, बाद में क्लाइंट से क्लियर कर लेते हैं, तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाएंगी। सस्पेंस के अंडर हम सस्पेंस नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है एवरीवन? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।